हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई होप यू ऑल आर वेल एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल ऑल्सो सो इन दिस वीडियो वी विल गोना डिस्कस अबाउट दिस जिसका इंतजार आपको बरसों से है आई थिंक बहुत बच्चों को है और जब भी ये ये टॉपिक देखते हैं ना तो सबका ऐसा पसीना छूटने लगता है कि यार ये क्या मतलब क्या लोचा है कैसे तैयार करूंगा मैं इसे या कैसे तैयार करूँगी है ना आपके दिमाग की फीलिंग दिल की फीलिंग बता रही हूँ मैं ठीक है क्योंकि मुझे भी ऐसा होता था तो आज मैं आपको बन, बैंथम एन हुकर क्लासीफिकेशन इतना हलवा बना के दूँगी ना इतना हलवा बना के दूंगी कि आपको बस उसको उठ उठा करके खाना होगा अब देखो एक एक को मैं खिला पाती ना तो वो भी कर देती बट अभी मैं आपके सामने ऐसे सर्व कर दूंगी और आपको बस उठा के खाना है ठीक है इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी तो आपको क्या करना है अगर आप न्यू है तो चैनल पर जाइए विजिट करिए प्लेलिस्ट देखिए टेक्सोनॉमिक टू पॉइंट वहां पर बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोग को बहुत हेल्प करेंगी हर एक छोटे से छोटे टर्म को समझने के लिए आई वॉन्ट टू अप्रीशिएट सब्सक्राइबर ऑफ माइंड जिनका नाम है शक्ति महे मोहनते इन्होंने टेक्सोनॉमिक टू जब से ये वीडियो आ रही है ना, तब से उन्होंने कोई एक ऐसी क्लास नहीं छोड़ी है और अपनी अटेंडेंस हर जगह वो लगा करके गए हैं और एक एक पॉजिटिव कमेंट किया है आई कैन से कि मैं इन्हीं इनकी स्पेशली इनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे ये मोटिवेशन मुझे एक एक लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई है कोई है जो मेरे वीडियोज का इंतजार कर रहा होगा कोई है जिसको मेरी वीडियोज हेल्प करती हैं तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक जरूर मुझे कमेंट करें पॉजिटिव कमेंट ठीक है और हाँ मुहूर्त किस चीज़ का निकलवा रहे हो बताओ कब निकल रहा है अब किस चीज़ का मुहूर्त निकल रहा है मतलब ये बता दो मुझे कि सब्सक्राइब करने का कोई पंडित से पंडित जी से गए हो मुहूर्त निकलवाए हो कि साइंस वाली का इसी मुहूर्त पे हम सब्सक्राइब करेंगे नहीं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार कब सब्सक्राइब करोगे अभी सब्सक्राइब करो थोड़ा सा मोटिवेट कर दो तो और इतनी सारी फैमिली पढ़ानी है कुछ तो फ्यूल चाहिए ना अब उस फ्यूल के लिए आपको सब्सक्राइब करना है बस बस इतना कर दो ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर द टू डेज टॉपिक एंड सो सॉरी फॉर द बक बक बट ये करना जरूरी था नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो सो बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं ठीक है क्या नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? इससे पहले आप लोगों ने अभी तक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे ठीक है इससे पहले लेकिन आज हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसको दिया है बैंथम ने एंड होकर ने ठीक है ये क्लासिफिकेशन आज हम लोग एकदम हलवा क्लियर करेंगे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना इतने इजीली तरीके से पढ़ाऊंगी और इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि आप आज के बाद से बैंथम एंड हुक्कर क्लासिफिकेशन ना भूलोगे नहीं ठीक है तो भाई हम जॉर्ज बैंथम की और डाल्टन हुक्कर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें देख भी लें कैसे दिखते हैं भाई तो ये है हमारे बैंथम ठीक है और ये है डॉल्टन हुक्कर ठीक है जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है क्या काम किया है भाई इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ी ठीक है तो हम अब धीरे धीरे बात करेंगे तो देखो भाई नाम क्या था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ़ डोल्टन हुक्कर क्या था जोसेफ़ डोल्टेन हुक्कर इन लोगों ने क्या किया था भाई सबसे पहले आप ये जान लो कि ये थे टू इंग्लिश टेक्सोनॉमिस्ट, या फिर आप इनको बॉटनिस्ट भी कह सकते हो क्या कह सकते हो बॉटनिस्ट भी कह सकते हो और ये कहाँ काम करते थे क्योंकि ये टेक्सोनोमिस्ट और बॉटनिस्ट थे तो ये काम करते थे रॉयल बोटेनिकल गार्डन में बहुत एक पॉपुलर गार्डन है जिसका नाम है आपने इसको ट्वेल्थ के एन में भी पढ़ा होगा रॉयल बॉटेनिकल गार्डन जो कि क्यू में है और क्यू कहाँ है इंग्लैंड में है तो ये यहाँ पर क्या करते थे भाई ये लोग यहाँ पर वर्क करते थे अपने काम करते थे ठीक है और इन्होंने किया क्या था इन्होंने किया था क्लासीफाई गेम को किसको फैनरो गेम को नाउ व्हाट इज गेम कैन यू टेल मी व्हाट इज गेम तो फैनरो गेम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर आते हैं ठीक है जिनमें फ्लावर आते हैं लाइक like, मैं आप लोगों से बोलूं कि एक प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप स्नैक प्लांट क्या एग्जाम्पल ले लो स्नैक प्लांट तो स्नैक प्लांट जो है इसमें कभी भी आप फ्लावर नहीं देखोगे ये एक टाइप का शो पीस प्लांट है आप इसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं देखोगे लेकिन अगर मैं बात करूँ रोज़ की मैं बात करूं हिबिस्कस की मैं बात करूं जैस्मीन की डहलिया की तो इन सब में क्या फ़्लावर आते हैं क्या फ्रूट आते हैं तो आप कहोगे हाँ दीदी आते हैं ठीक है तो ऐसे ऐसे प्लांट्स जिनमें आप फ्लावरिंग देखते हो तो हम उन्हें बोलते हैं क्या फेनरोगेम्स ठीक है हम क्या बोलते हैं उन्हें फ़ेनरोगेम्स ठीक है और जिसमें नहीं आते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टो ठीक है उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टो गेम्स अभी मैं आगे आपको अच्छे से इसको भी बताऊंगी तो भाई फैनरो गेम्स जैसे हम लोगों ने जाना कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो इनको क्लासिफाई किया गया डाई कॉटिलिडोनी में जिम्नोसपम एंड मोनोकॉटिलिडोनी में तो आप कहोगे दीदी फ्लावरिंग की तो बात समझ में आ रही है बट हम तो कॉटिलिडोन यहाँ पर देख रहे हैं तो समझ नहीं आया कि कॉटिलिडोन से फ्लावरिंग का क्या रिलेशन मैं बता रही हूँ फैनरो गेम्स को आप लोग बोलते हो वॉट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ठीक है एक तो आपने पढ़ा फेन गेम्स आर दो प्लांट्स जिसमें आप फ्लावरिंग देखते हो सेकेंड आप देखोगे कि ये सीड प्रोड्यूस करते हैं तो जो आपके फेनोरोगेम्स हैं आपने ये भी देखा कि वो फ्लावरिंग भी हैं और वो सीड प्रोड्यूसिंग भी हैं इसका उल्टा अगर हम क्रिप्टो गेम की बात करें तो क्रिप्टो गेम्स आर नॉन फ्लावरिंग ठीक है एक तो ये नॉन फ्लावरिंग भी हैं और ये सीड प्रोड्यूसिंग नहीं है ठीक है दे आर विदाउट सीड अब देखो यहाँ पर फेनोरोगेम्स में सीड प्रोड्यूशन हो रहा है सीड प्रोड्यूस हो रहा है तो या तो उस सीड में दो कॉटिलीडॉन होंगे तो वो डाई या तो एक कॉटिलिडॉन होगा तो मोनोकॉटिलिडोनी या तो जो सीड होगा वो आपका नेकेड होगा वो आपकी आंखों से दिखाई देगा तो जिम्नोस्पर्मी और इनक्लोज होगा तो एनजोस्पम और एनजो में ही आप डाई और मोनोकॉटिलिडोनी पढ़ते हो समझ में आया आपको इतना कुछ ठीक है उसके बाद भाई इन्होंने इतना अच्छा सब कुछ बताया है क्लासीफाई किया है तो भाई इसको कहीं ना कहीं अच्छा, हमें सिर जाने की ज़रूरत है बॉडी में सिर जाना कि इसे हम लोग को बचाने की ज़रूरत है और हम इसे बच हम इसको रखना चाहते हैं अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या हमारी कोई खोज होती है तो हम उसे या तो किसी बुक में छपवाते हैं या फिर कोई ऐसा निशानी ज़रूर छोड़ते हैं कि या दिस इज़ माई वर्क तो उन्होंने क्या किया है इन लोगों ने किया है क्या इन लोगों ने जेनरा प्लानचेनम बुक लिखी है जो कि पब्लिश हुई थी थ्री वॉल्यूम बुक में ठीक है वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड थ्री वॉल्यूम बुक में और इन्हीं में इन्हीं में इसी बुक में इन लोगों ने ये सारे क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है समझे उसके बाद देखो मैंने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर क्लासिफिकेशन है क्यों क्लासिफिकेशन है भाई क्योंकि जब इन लोगों ने फैनोरो गेम्स को क्लासिफाई किया था तो हम लोगों ने देखा था कि हमें टू हंड्रेड टू फैमिलीज देखने को मिली भाई टू हंड्रेड टू फैमिलीज टू हंड्रेड टू फैमिलीज किसकी मिली फ्लावरिंग प्लांट्स की तो ये बहुत बड़ी बात है कि टू हंड्रेड टू फैमिलीज देखने को मिल रही हैं और हर एक फैमिली का कैरेक्टर हर एक फैमिली का कैरेक्टर क्या था स्पेसिफिक था स्पेशल था आप तुरंत अगर मैं कोई एक कैरेक्टर बोलूंगी तो आप तुरंत उस फैमिली को समझ जाओगे कि ओ दीदी इस कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हैं जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग को बताती हूँ जैसे मैंने नाम लिया अभी मैं अभी जब आप फैमिलीज पढ़ोगे ना तो आपको सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मान लो मैंने बोला ऑफ डिप्लो स्टेमिनस कंडीशन मैंने बोला ऑब डिप्लो स्टेमिनस कंडीशन ठीक है तो आपके दिमाग में जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं पढ़ाऊंगी तो भाई ऑप डिप्लो स्टेमिनस कंडीशन जो है वो कैरोफिलेसी फैमिली में पाया जाता है तो आप तुरंत जा, जान जाओगे कि अच्छा भाई इसमें ऑप डिप्लो स्टेमिनस कंडीशन पाई जा रही है तो डैट मीन्स कि ये कैरोफिलेशी फैमिली का है तो जो भी कैरोफिलेशी फैमिली में प्लांट्स आएंगे दे ऑल हैव द कैरेक्टर ऑफ ऑफ डिप्लो स्टेमिनस समझ में आया तो आप एक ही कैरेक्टर से एक स्पेसिफिक फैमिली को पहचान सकते हो इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ठीक है तो क्यों बढ़ी थी बाई पॉपुलैरिटी बिकॉज देर इज अ वेरी क्लियर की कैरेक्टर्स असाइन फॉर ईच फैमिली जो मैंने आपको समझाया ठीक है उसके बाद देखो दे गेव अ सिस्टम ऑफ बोटेनिकल टेक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज बट डिड नॉट टेक इवोल्यूशन इन टू अकाउंट मीनिंग इट वॉज अ प्री डार्वेरियन एरा सिस्टम तो आपको पता है कि डार्विन जो हमारे थे उन्होंने उन्होंने ही इवोल्यूशन दिया था ठीक है ये इस बात से आप सहमत होना भाई कि इवोल्यूशन डार्विन ने दिया था ठीक है लेकिन जो हमारे पेंथम एन हुक्कर थे इन्होंने अपने किसी भी फैमिली में किसी भी जितना इन्होंने क्लासीफाई किया उसमें कहीं भी ना इवोल्यूशन का नाम तक नहीं लिया ठीक है इन्होंने क्या किया कि बस देखा ठीक है उन्होंने प्लांट को देखा एंड ऑब्जर्व किया एंड क्लासीफाई कर दिया कोई भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं ढूंढा कोई भी मोडिफिकेशन नहीं ढूंढा कोई भी एंसेस्टर नहीं ढूंढा ठीक है उन्होंने उन लोगों ने क्या किया बस क्या किया कि सामने देखा एंड उसे क्लासिफाई कर दिया इसीलिए हम कहते हैं कि बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है क्योंकि उन्हों, उन्होंने इन लोगों ने नेचुरली देखा है और क्लासिफाई किया है क्या क्या देखा है भाई बहुत चीज़ें देखी होंगी जिसमें से टाइप ऑफ पेरियंथ देखा है अब भाई पेरियंथ क्या होता है तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पिछली क्लासेस लगा लिया करो ठीक है पेरियंथ क्या होता है कैलिक्स और कोरोला जब कैलिक्स एंड कोरोला मिल जाते हैं तो उन्हें उन्हें मतलब उनका एक स्पेशल नाम कहलाता है पेरियंथ ठीक है तो किस टाइप के पेरियंथ इस इसपे भी क्लासीफाई किया है ठीक है पेटल्स पे क्लासिफाई किया है फिर थैलमस पे किया है उसके बाद सेपल्स पे किए हैं तो बहुत सारे नेचुरली कभी भी इन लोगों ने इवोल्यूशन नहीं ढूंढा कि भाई पहले ऐसा था तो मॉडिफाई हो गया तो हम इस फैमिली में इस प्लांट को रख दें नहीं ऐसा कुछ नहीं जैसा जैसा देखते गए वैसे वैसे, वैसे क्लासिफाई करते गए इसीलिए आप अभी मतलब जब भी कोई पूछेगा कि नेचुरल ही क्यों कहलाता है भाई क्योंकि ये हमेशा ही नेचुरल एफिनिटीज मतलब नेचुरल कैरेक्टर्स पे इन्होंने क्या किया है क्लासिफाई किया है देयर इज़ नो एनी रिलेशनशिप देर इज़ नो एनी वॉल्यूशन ठीक है तो ये आपको याद रखना है समझ में आया उसके बाद मैंने आप लोग को बताया ही कि इनकी जो बुक थी जो वर्क था इनका वो जेनरा प्लान्टरम में क्या हुआ थ्री वॉल्यूम की बुक में पूरा का पूरा अच्छे से बताया गया है 1862 से 1883 तक इनकी बुक पब्लिकेशन में आई थी ठीक है और इन्होंने क्लासीफाफाई किया था फेनरो गेम्स को जैसे कि मैंने बोला सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को किस में क्लासीफाई किया था तो फेनरो गेम्स को क्लासीफाई किया था नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब मैं बता रही हूं आपको मान लो कि आपका एक स्पीसीज है रोज ठीक है एक स्पीसीज है आपकी रोज ठीक तो अभी सोच लो कि उस आ, उसी तरीके से एक रोज की स्पीसीज आपने एक माना है तो उसी तरीके से स्पीसीज नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव मतलब आप समझ रहे हो तो इतनी स्पीसीज़ में फ्लावरिंग प्लांट में उन्होंने क्या किया है क्लासीफाई किया है और नाइन्टी सेवन टू टू हंड्रेड फाइव स्पीसीज़ को उन्होंने टू हंड्रेड टू फैमिलीज़ एंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन जेनरा में क्लासीफाई किया था इस इस देखो इस डाटा से आपका कोई लेना देना नहीं है बस मैं ऊपरी ज्ञान के लिए बता दे रही हूँ कि ये चीज़ें भी जानना जरूरी है ठीक है क्योंकि इसी तरीके से आप समझते हो कि कितना बड़ा काम किया है इन लोगों ने ठीक है उसके बाद देखो टू हंड्रेड टू फैमिलीज इतना याद रखना कि टू हंड्रेड टू फैमिलीज दी गई थी इन इन लोगों के द्वारा तो टू हंड्रेड टू फैमिलीज में से जो थ्री फैमिली थी वो बिलोंग थी आपके जिम्नोस्पॉमी से और रेस्ट जो वन नाइन्टी थी ना वन नाइन्टी नाइन वो डाईकोटिलिडोनी एंड मोनोकॉटिलीडोनी में थी समझे मतलब फैनरो गेम्स को ही तो क्लासीफाई किया था ना डाइकोटिलीडॉन कॉटिलीडोन जिम्नोस्पम एंड मोनोकोटिलीडॉन में तो तीन ही फैमिली टू हंड्रेड टू में से बस तीन फैमिली जिम्नो इसपॉम से थी और रिमेनिंग जो वन नाइनटी नाइन फैमिली थी वो डाईकोटिलिडोनी और मोनोकॉटिलिडोनी में आती है समझे उसके बाद अब ये जो टर्म है ना मतलब ये जो सेंटेंस है इसको भाई डायमंड मानो आपको पता है अगर आप मेरे पहले स्टूडेंट हो ना मतलब पहले से देखते हो तो आपको पता है मेरे लिए जितनी इम्पॉर्टेंट मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं उसको डायमंड बोलती हूँ अपने लैंग्वेज में तो ये मेरे लिए डायमंड है तो ये आप लोग के लिए भी ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है डायमंड होगा क्यों होगा क्योंकि अगर ये लिख दिए ना अगर ये लिख दिए तो फ्लैट हो जाएगा एकदम एग्जामिनर मतलब कहेगा वाह बेटे एकदम दिमाग मतलब दिल खुश कर दिया मेरा ऐसा ऐसा फीलिंग आएगा क्या है भाई ये लाइन कि जो आपके बैंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था तो रेनन क्यूलेसी रेनन क्यूलेसी जो फैमिली है वो डाइकॉट में आएगी अभी मैं आगे बताऊंगी घबराओ नहीं तो डाईकॉट की जो रेनन क्यूलेसी फैमिली है ना वो सबसे प्रीमिटिव फैमिली है सबसे प्रिमिटिव फैमिली है और सबसे एडवांस फैमिली आपकी फैमिली पोएसी है जो कि मोनोकॉटिलिडॉन में आएगा समझे तो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है डाईकोटिलिडॉन का रेनन क्यूलेसी और सबसे ज़्यादा एडवांस है मोनोकॉटिलिडॉन की पोएसी फैमिली इसको नोट कर लेना ठीक है उसके बाद देखो द सिस्टम इज़ वेरी प्रैक्टिकल टू यूज़ बिकॉज ईच कैरेक्टर कैटेगरी इज डिस्क्राइब विद डिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स द डिलिमिटेशन इस ये सब मैंने आपको बता दिया है ठीक है और प्री डारवेरियन क्यों कह रहा है भाई क्योंकि मैंने बताया इवोल्यूशन जो है वो डारविन ने दिया था तो इसमें ऑब्वियस ही बात है कि बैंथम एंड हुकर ने कोई भी इवोल्यूशन uh, का ना ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया है इसीलिए हम बोलते हैं कि ये प्री डारवेरियन है ये प्री डार्वेरियन कॉन्सेप्ट है अगर इवोल्यूशन का नाम होता तो हम इसे पोस्ट डार्वेरियन कॉन्सेप्ट कहते हैं ठीक है लेकिन क्योंकि इवोल्यूशन का नाम नहीं है तो हम इसे प्री डार्वेरियन कॉन्सेप्ट कहते हैं और जो ये ब्लू वाली लाइन लिखी है इसका भी मतलब यही है कि भाई हर एक कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से बताए हुए हैं जिसमें बहुत ईजी होता है हमें किसी भी फैमिली को पहचानने में ठीक है उसके बाद देखो भाई अब मेन चीज़ पर आते हैं अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई जो तीन क्ला आपकी क्लासेस बटी थी डाई कोटिलिडोनी मोनोकॉटिलिडोनी और जिम्नोस्पॉमी इसमें आपको मैंने बताया कि जो तीन फैमिली है वो बस आपके जिम्नोस्पॉमी में है उसके अलावा वन सिक्सटी फाइव फैमिलीज़ आपकी डाईकोटिलिडोनी में है और थर्टी फोर फैमिलीज आपकी मोनोकॉटिलिडोनी में है तो आपको इसे समझ जाना चाहिए कि डाई कोटिलिडोन में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं उसके बाद मोनोकॉटिलिडोन में एंड जिम्नोस्पॉमी में बहुत कम हालांकि बस तीन ही है तो नेग्लेजिबल है इन इन सभी के सामने ठीक है लेकिन इस तीन फैमिली में भी आपको बहुत सारी स्पीसीज दिख जाएंगी क्योंकि हमें पता है कि 97,500 सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड समथिंग था ना तो उतना ज्यादा फैमिलीज को फ्लावरिंग uh, प्लांट्स को इन लोगों ने बताया है तो

मिया को क्लासिफाई किया गया तीन क्लासेस में डाइकोटिलीडॉन जिम्नोस्पर्मि एंड मोनोकोटिलीडॉन फर्दर डाइकोटिलीडॉन को किया गया पॉलीपेटली सब क्लासेस पॉलीपेटली गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी में और वहीं अगर हम देखो जिम्नोस्पर्मि की बात हमें नहीं करनी है हमें जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ना है हम डायरेक्ट मोनोकोटिलीडॉन पे आएंगे तो आप यह देखोगे कि मोनोकोटिलीडॉन में देयर इज नो एनी सब क्लास ठीक है हमें कोई भी सब क्लास नहीं दिखेगा हमें डायरेक्ट क्या दिखेगी हमें डायरेक्ट दिखेगी सीरीज ठीक है वहीं अगर हम बात करें डाई की तो हमें सबसे पहले सब क्लासेज दिखेंगी उसके बाद हमें इन तीनों की सीरीज दिखेंगी समझे ये पैटर्न आपको याद रखना है उसके बाद देखो भाई डाई क्या होता है तो मैंने यहाँ आपको जो बताया है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले डाई ही पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद इन तीनों को क्लियर करेंगे बढ़िया से एकदम हलवा क्लियर उसके बाद फिर हम मोनोकोटिलीडॉन की तरफ चलेंगे समझे अब देखो डाई कॉटिलीडोन क्या होते हैं भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि डाई डाई मतलब टू और कॉटिलीडोन मतलब कॉटिलीडोन ठीक है मतलब कि ये सीड है तो ऐसे ठीक है ये वन कॉटिलीडोन ये टू कॉटिलीडोन तो नाम से ही समझ में आ रहा है पेयर ऑफ कॉटिलिडोन इनमें पाए जाएंगे सेकेंडली इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा मतलब कि ऐसा कुछ रूट सिस्टम होगा जिसमें आप प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट टर्शरी रूट आपको दिखाई देंगे और टैप रूट सिस्टम की एक और खासियत है कि ये रेडिकल से क्या होते हैं इमर्ज होते हैं ये रेडिकल से इमर्ज होते हैं वहीं एडवेंटिशियस जो हैं वो रेडिकल के अलावा कहीं और से इमर्ज होते हैं समझें इनमें जो लीव्स होती हैं उनमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है रेटिकुलेट विनेशन मतलब क्या भाई कि ऐसी वीन्स होंगी ये सिस्टम होगा लीफ का ये पैटर्न होगा तो ये रेटिकुलेट विनेशन कहलाता है तो इनकी जितनी भी लीफ होंगी ना ये सब रेटिकुलेट विनेशन शो करेंगी इनमें जो फ्लावर होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं मतलब कि ऐसे पांच पेटल होंगे भाई उनमें आप ऐसे आसानी से समझ सकते हो या फिर चार पेटल होंगे तो हम उन्हें टेट्रामेरस या पेंटामेरस बोलते हैं और क्योंकि इनके रूट और स्टेम को जब आप काटोगे ना जब भी आप काटोगे तो आप ये देखोगे कि जो वेस्कुलर बंडल है तो वेस्कुलर बंडल में जाइलम आता है एंड फ्लोएम आता है जाइलम आपका क्या वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम आपके फूड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं समझे तो जो जायलम एंड फ्लोएम है उनके बीच में अगर कैम्बियम आ रहा है क्या आ रहा है कैम्बियम आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर क्या होता है डायमीटर इंक्रीज़ करता है जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो इंक्रीज इन डायमीटर होता है और जब नहीं प्रेजेंट होता है तो कोई भी इंक्रीज नहीं होता है समझे तो यहाँ पर डायकॉटिलिडॉन में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है तो इनके जो प्लांट्स होंगे उनमें आपको इंक्रीज इन डायमीटर दिखेगा ये कुछ कैरेक्टर्स थे आपके डायकॉटिलीडॉन के अब आप आप देखो अगर आप लिटरली पढ़ रहे हो तो आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे अगर मैं सामने पढ़ा रही होती तो आप आप ये क्वेश्चन जरूर मुझसे पूछते कि दीदी आपने ये सब बताया इट्स ओके बता दिया ठीक है बट ये बताओ कि आपने बताया क्यों हम इसका करेंगे क्या क्यों करें हम क्या करेंगे इसका तो देखो देखो एकदम ध्यान से समझो मान लो मैंने बोला रेन एंड क्यूलेसी फैमिली ठीक है मैंने बोला आपसे कि चलो बच्चों आप मुझे रेन एंड क्यूलेसी फैमिली के बारे में लिख के दिखाओ ठीक है अब जो बच्चे ठीक है जिन्होंने पढ़ा है तो वो सोच रहे हैं कि हाँ हम तो आराम से लिख लेंगे ठीक है उन्होंने रटा हुआ है पढ़ा हुआ है अब मान लो आपको नहीं याद है लेकिन आपको बस इतना याद है कि हाँ दीदी ने बताया था कि रनन क्युलेसी फैमिली जो है वो डायकॉटिलिडोनी में आती है समझे ऐसा सोचे कि हाँ दीदी ने बताया तो था कि डायोकॉटिलिडोन में आता है तो डायोकॉटिलिडोन के कुछ कैरेक्टर्स लिख देते हैं ना क्योंकि आता तो उसी में है तो आप लिख दोगे भाई कि हाँ रनन क्युलेसी के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो सीड होती है उनमें टू एम्ब्रो पाया जाता है स्टैप रूट सिस्टम शो करते हैं ये रेटिकुलेट टिनेशन इनके लीव में देखा जाता है इनके जो फ्लावर होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं और क्योंकि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो इनके लीव इन डायमीटर दिखाई देता है तो कुछ नहीं लिखने से अच्छा आपने इतना लिख दिया समझे तो आपने अभी क्लास पढ़ी है अब मान लो क्लास के बाद डायकॉटिक के बाद मैंने बताया कि ये आगे चल के सब क्लासेज में डिवाइड है तो आप जब सब क्लासेस के बारे में भी पढ़ लोगे तो रेनन क्यूलेसी किसी ना किसी सब क्लास से आएगा तो फिर उसके भी कैरेक्टर लिख दोगे तो ऐसे जिसने बैंथम एंड हुक्कर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया उसने सारे के सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही पढ़ लिए और उसकी हर एक फैमिली तैयार हो गई बिलीव मी उसकी हर एक फैमिली तैयार हो जाएगी और कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जो छूटेगी ठीक है बस आपको याद क्या करना होगा हर एक फैमिली में कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे मैंने बताया कैरोफिलसी में ऑब्डिप्लोस्टेमस पाया जाता है तो वो और किसी फैमिली में नहीं पाया जाता है तो ये आपको स्पेशल बस याद करना होगा उसके अलावा तो आप सब कुछ यहीं पर याद कर लोगे ठीक है इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हर चीज यहां से समझ के जाना ओके नाव हम लोगों ने डायाकॉटिलिडॉन पढ़ लिया अब हमने बताया था कि डायाकोटिलिडॉन जो है आगे तीन सब क्लासेस में बटी है तो हम सबसे पहले सब क्लास वन में पढ़ेंगे ठीक है सब क्लास वन क्या है भाई पॉली पिटालिया नाम से ही समझ में आ रहा है पॉली मतलब क्या होता है कैन यू टेल मी कि पॉली मतलब क्या होता है पॉली मतलब होता है फ्री मैंने टर्मिनोलॉजी जितनी भी वीडियो अपलोड की है आई एम रिक्वेस्टिंग यू की जाकर के उसे जरूर देखो तो पॉली में जो पॉली मतलब होता है वो फ्री होता है और पैट पिटाली मतलब पैटल होते हैं ठीक है तो बस देखो कुछ नहीं यहाँ पे जितना लिखा है भूल जाओ बस इतना याद रखो कि पैटल इनमें फ्री पाए जाएंगे मतलब पॉलीपिटेलिक के जितने भी प्लांट होंगे ना जितने भी फ्लावर्स होंगे उन सभी में जो पैटल होंगे वो फ्री होंगे कैसे होंगे फ्री होंगे वो एक दूसरे में चिपके नहीं होंगे फ्यूज नहीं होंगे वो फ्री अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं मतलब कि मान लो ये फ्लावर है तो इसमें ऐसे ये पेटल्स होंगे अरेंजमेंट ऐसी होगी ठीक है इन दोनों में गैप होगा एक दूसरे में ठीक है तो ऐसे जिसमें पैटल्स पाए जाएंगे दे आर इन सब ठीक है तो पॉलीपिटैली मतलब आपको क्या याद रखना है कि पैटल्स आर फ्री अब ये जो सब क्लास है ना ये तीन तीन सीरीज में बटी हुई है थैलोमी फ्लोरी डिस्की फ्लोरी एंड कैसी फ्लोरी थैलमी फ्लोरी में आपको याद रखना है कि जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस होता है क्या भाई फ्लावर हाइपोगाइनस होता है और हाइपोगाइनस का मतलब आपको पता है कि जब भी आप हाइपोगाइनस सुनोगे तो ओवरी क्या होगी भाई आपकी सुपीरियर होगी याद है ना आपको ओवरी सुपीरियर होगी स्टामेंस इनमें बहुत ज्यादा पाए जाएंगे और डिस्क जो होगा वो एबसेंट होगा डिस्क एब्सेंट होगा क्योंकि डिस्क का नाम नहीं है कहीं डिस्क की फ्लोरी में भाई नाम से समझ में आ रहा है डिस्क भाई प्रेजेंट होगा कहाँ प्रेजेंट होगा ओवरी के नीचे प्रेजेंट होगा और यहाँ पर भी फ्लावर हाइपोगाइनस होगा मतलब कि जितने भी इनमें फ्लावर्स पाए जाएंगे रहेंगे उनमें ओवरी सुपीरियर होगी वहीं अगर हम कैसी फ्लोरी की बात करें तो इसमें फ्लावर पेरी गाइनस होगा या फिर ईपी गाइनस होगा या तो फ्लावर में जो ओवरी है वो कहीं बीच में पाई जा रही हो या तो एकदम नीचे पाई जा रही हो तो ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसी फ्लोरी के अंदर आते हैं समझे तो ये कैरेक्टर्स आपको कुछ याद करने हैं और जो जो मेन कैरेक्टर है मैंने बस वही उठाया है तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी समझे अब वही बात करें सेकेंड सब क्लास की देखो पहले ये देख लो पिताली जो है सीरीज थैलेमी फ्लोरी डिस्की फ्लोरी एंड कैल्की फ्लोरी में बटा हुआ है थैलेमी फ्लोरी जो है वो आगे कुछ ऑर्डर्स में वैसे ही डिस्की फ्लोरी एंड कैल्की फ्लोरी भी ठीक है तो ऑर्डर थैलेमी फ्लोरी का क्या, क्या है रैनल्स है जिसमें आपके रैन एंड फैमिली आएगी जिसमें आपकी रैन एन फैमिली आएगी जो कि सबसे प्रीमेटिव फैमिली थी ठीक है क्योंकि वो सबसे पहले आई उसके बाद पेराइटिस पॉलीगोनिया Carophylleni, फिर Guttiferales, Malvales, फिर डिस्कीफ्लोरी का जर्नीएल्स, ओला केल्स, सेलेस्ट्रेल्स, सेपेनीडेल्स, कैल्सीफ्लोरी में रोजेल्स, मिड्डेल्स, पैसीफ्लोरेल्स, फिस्की क्वाइडेल्स एंड अम्बेल्स, ठीक है? ये आपका था पूरा का पूरा व्हाट पॉलीपिटाली का सीरीज एंड ऑर्डर, ठीक है? कैसे याद करना है घबराओ नहीं पहले ही मैंने इसकी ट्रिक दे दी है और बहुत बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया आई फोर्टी थाउजेंड से एवो बच्चों ने उसे देखा है और उसका फायदा उठाया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप जाना और उसको भी देख लेना ट्रिक एकदम मस्त ट्रिक है आराम से सब याद हो जाएगा ये सब कुछ सीरीज हुआ ऑर्डर हुआ सब याद हो जाएगा बढ़िया से बहुत अच्छे से ठीक है अब बात करते हैं सेकेंड सब क्लास जिसका नाम है गेमो पिटाली में आप देखोगे कि गैमो मतलब होता है क्या फ्यूज्ड गैमो मतलब होता है फ्यूज और पिटाली मतलब मैंने ऊपर ही बताया पेटल तो यहाँ पर जो पेटल होंगे वो चिपके चिपके रहेंगे और जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं वहीं अगर हम पॉली पिटाली की बात करें तो पेटल्स फ्री होते हैं ये भी तीन सीरीज में बटी हुई हैं कौन कौन सी सीरीज़ इन फेरी हैट्रोमेरी और पाईकार पेलेट तो इन फेरी में क्या होता है ओवरी इन्फीरियर होती है मतलब कि आपका फ्लावर जो होगा वो कैसा होगा फ्लावर आपका ईपी होगा समझे उसके बाद हेट्रोमेरी में आपकी ओवरी सुपीरियर होती है मतलब फ्लावर आपका हाइपोगाइनस होगा फिर बाई कार्पलेट में भी ओवरी सुपीरियर होती है फ्लावर आपका हाइपोगाइनस होगा ये समझ में आया हेट्रोमेरी में स्टेमेंस वन या टू हो सकते हैं मतलब वन और टू होल्स में हो सकते हैं कार्पेल मोर देन टू हो सकता है बाई कार्पलेट में स्टेमिन जो होता है वो वन हो, होल में होता है बाई से ही समझ में आ रहा है टू और कार्पलेट से समझ में आ रहा है कार्पेल तो दो कार्पेल हो सकते हैं समझ में आया ये सारे कैरेक्टर्स क्या आपको याद हो गए नहीं याद हुए कोई टेंशन नहीं है हम है ना हम याद कराएंगे भले वीडियो लंबी बनेगी लेकिन मैं इतना अच्छे से तैयार कराऊंगी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैसे याद करना है भाई देखो इसको मैंने क्या बताया आपको पॉली और गेमो एकदम डरना नहीं है देखो पॉली है और गैमो है पॉली में भाई हमने आपको बताया कि पॉली मतलब फ्री होता है तो यहाँ पर आपके जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे और आपके जो गैमो में देखें तो पेटल्स क्या होंगे फ्यूज होंगे याद हो गया याद हुआ ना एकदम चिल्ला के बोलो हाँ याद हो गया हाँ दीदी याद हो गया ठीक है अब देखो जो आपका पॉली है वो किस में बटा है और गैमो किस में बटाए इन इनको ना एकदम सीरीज से लिख लो कैसे बटा है भाई पॉली थैलेमी फ्लोरी डिस्की फ्लोरी कैल्की फ्लोरी और फिर आपका गैमोपिटाली इन फेरी हैट्रोमेरी एंड बाई कार्पलेट ये मैंने झूठ नहीं बोला ना इन्हीं सब में बटा हुआ है ठीक है अब देखो जो आपका थैलमी फ्लोरी एंड डिस्की फ्लोरी है एंड जो आपका हेट्रोमेरी एंड बाई कार्पलेट है इनके एक ही कैरेक्टर हैं कैसे मैंने ऊपर ही आपको बताया है कि इन दोनों में ही इन दोनों में ही आपकी जो फ्लावर हैं जो आपके फ्लावर हैं दे आर हाइपोगाइनस झूठ नहीं ना बोल रही हूँ मैं यहाँ पर भी आपके फ्लावर जो हैं वो हाइपोगाइनस और अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी कैसी होगी भाई ओवरी सुपीरियर होगी समझे यहाँ पर भी ओवरी सुपीरियर होगी समझ गए ये याद हो गया अब देखो बीज के जो कैसनी एंड इनफेरी है ये इनमें क्या होगा ना कि फ्लावर जो है वो आपका ईपी गाइनस होगा मतलब कि ओवरी जो है वो इन्फीरियर होगी अच्छे से याद हुआ सब कुछ क्योंकि अब इससे अच्छा ट्रिक मैं आपको नहीं बता सकती हूँ याद करने का सब कुछ मैं आपको याद करा रही हूँ कि अगर मान लो कि आपको कोई और क्वेश्चन पाँच में से नहीं आ रहे हो बी में तो आप कम से कम एंड हुकर तो देख करके आओ ऐसे ही लोगों ने ट्रामा बना के रखा है ना कि बैंथमन हुक्कर बहुत ज़्यादा हार्ड है आप इसको छोड़ देना फलाना ढमकाना ऐसा कुछ नहीं करना है बहुत इजी है इसको आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो और नंबर भी इसमें अगर आप अटेंड करोगे तो क्योंकि सौ लोगों ने छोड़ा हुआ है तो ऑब्वियस ये बात है एग्जामिनर भी क्या होगा थोड़ा सा आप पे ज़्यादा फोकस करेगा कि हाँ बच्चे ने बैंथमेंट होकर क्लासिफिकेशन को अटेंड किया है ठीक है तो आप कर सकते हो मैं इस चीज़ के लिए आपको मोटिवेट करूँगी उसके बाद देखो याद हो गया हमने गैमोपिटाली क्लियर कर लिया पॉलिपिटली क्लियर कर लिया गैमो को भी आ, अगेन भाई इन फेरी हैट्रोमेरी एंड बायकार्पोलेट में बटा हुआ था मैंने बता दिया ऑर्डर्स से इन के रूबियल्स एस्ट्रोल्स कैंपेनेल्स और हेट्रोमेरी का इेल्स इबिनेल्स इबीनेल्स बायकार्पोलेट का जेंटीनेल्स पोलीमोनियल्स पर्सोनियल्स एंड लेमिनियल्स ठीक है ये ऑर्डर थे दिक्कत नहीं है कोई भी ट्रिक आपको मिल जाएगी कहाँ मिलेगी भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी ठीक है वहाँ पर जाकर के देख लेना उसके बाद देखो अब आते हैं लास्ट सब क्लास पे लास्ट सब क्लास ऑफ़ डाई पे हम आते हैं जिसका नाम है मोनोक्लेमाइडी अभी तक हमने देखा मैंने इसको लिख लिया है देखो पॉली में हमने पढ़ा कि जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं ठीक है और गैमोपिटाली में हमने पढ़ा कि भाई फ्यूज़ होते हैं और मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स होते ही नहीं है ठीक है बहुत अच्छे से मैंने आपको याद करा मैं मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से याद करा रही हूँ तो प्लीज़ मेरा नाक मत कटवाना और इसको अच्छे से याद कर लेना तो यहाँ देखोगे कि फ्लावर ए पैटल्स होते हैं आपको यहाँ पर पेटल नहीं दिखाई देंगे और पेरियंथ भी जो होता है पेरियंथ क्या होता है कैलिक्स एंड कोरोला जब मिल जाते हैं तो पेरियंथ बोलते हैं ठीक है तो कैलिक्स और कोरोला जब मिलेंगे तो पेरियंथ होगा और यहाँ पर पे पेरियंथ जो होगा वो एबसेंट होगा या फिर अगर होगा भी तो आप डिफ्रेंशिएट आसानी से नहीं कर पाओगे कि भाई ये पेरियंथ है ये सेपल है या फिर ये पेटल है ठीक है ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो मोनोक्लेमाइडी में आपने ये देखा मोनोक्लेमाइडी में आप डायरेक्ट सीरीज पढ़ो ठीक है मोनोक्लाइमाइडी में भी सीरीज हैं बहुत सारी हैं कि कर्वी एम्ब्रियो है और नाम से ही समझ में आ रहा है कर्वी एम्ब्रियो मतलब कर्व है ना तो आप थोड़ा सा इसको क्वाइल्ड भी समझ सकते हो तो एम्ब्रियो यहाँ पर क्वाइल्ड होगी और ओव्यूल जो होगा यूजअली वन होगा इन दो को एक साथ पढ़ो मल्टी ओव्यूलिएट एक्वेटिका एंड तो एक्वेटिका जो है उसमें एक्वेटिक प्लांट्स होंगे और टेरेस्ट्रीज में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे दोनों ही ओव्यूल जो है वो मैनी होंगे मतलब बहुत सारे माइक्रो एम्ब्रियो के नाम से ही समझ में आ रहा है माइक्रो मतलब छोटा इम्ब्रो मतलब इम्ब्रियो ठीक है तो माइन्यूट इम्ब्रियो जिसमें पाया जाएगा वो जितने भी प्लांट होंगे वो माइक्रो एम्ब्रियो के सीरीज में आएंगे डेफनी में आप देखोगे कि कार्पेल वन होगा ओव्यूल वन होगा एक लेमाइडो स्पोर में देखोगे ओवरी इन्फीरियर होगी यूनिलोक्यूलर होगा ओव्यूल एक से तीन इसमें ओव्यूल पाए जाएंगे यूनिसेक्सुअल्स में आपको समझ में आ रहा है जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमिन एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टल ये दोनों ही अलग अलग प्लांट पर रहेंगे दे आर नॉट लाइक लवी डबी ये ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ है जो अकेले अकेले सिंगल रह रहे हैं ठीक है तो जो स्टेमिन है और जो पिस्टल है क्योंकि वो एक में है मान लो मैंने बोला कि या तो स्टेमिन होगा या तो पिस्टल होगा ठीक है तो मैंने आपको पिछली टर्मिनोलॉजीज में पढ़ाया हुआ है कि इनकम्प्लीट फ्लावर और कम्प्लीट फ्लावर तो जब कम्प्लीट फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें चारों चीजें

के बाद अब हम लोगों ने पूरा का पूरा डाइक अच्छे से याद करते हुए सब कुछ हमने पढ़ लिया है क्या हम उसे रिवाइज करें एक बार देखो ये सेशन भले ही ना थोड़ा ज़्यादा मिनट का है बट मैं एकदम मतलब लिख के दे रही हूँ कि आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा अगर आप यहाँ से पढ़ करके गए तो और जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं से नहीं मिलेगा और हाँ प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है नाउ लेट्स रिवाइज इट कि फेनरो गेम ठीक है फैनरो गेम्स को बैंसामैन हुक्कर ने डाई कॉटिलीडोनी जिमनो एंड मोनोकॉटिलिडोनी में क्या किया है क्लासिफाई किया है डाई को फर्दर क्लासीफाई äh, किया गया है सब क्लासेज में किस सब क्लासेज में भाई पॉलीपिटाली गैमोपिटाली एंड मोनोक्लेमाइडी ठीक है और जो आपका है ये डायरेक्ट आपकी सीरीज दिखाएगी देयर इज नो एनी सब क्लास ओके तो पॉलीपिटाली में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पॉलीपिटाली मतलब कि पेटल्स क्या होंगे फ्री होंगे गैमोपिटाली मतलब पेटल्स फ्यूज होंगे मोनोक्लेमाइडी मतलब पेटल्स नहीं होंगे डायकॉटलीडॉन के कैरेक्टर्स हम लोगों ने क्या पढ़े हैं कि टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स पाए जाएंगे और मैंने ट्रिक बताना मैं भूल गई ओके अभी बता देती हूँ पहले ये बता दूँ तो टेट्रामेरस या पेंटामेरस आपके क्या होंगे फ्लावर्स होंगे सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा कि टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा थर्ड पढ़ा विनेशन जो होगी वो रेटिकुलेट होगी लीफ में और कैम्बियम प्रेजेंट है तो आपका डायमीटर इंक्रीज करेगा और क्या हम लोगों ने कुछ पढ़ा क्या मैं कुछ भूल रही हूँ अगर भूल रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताना अब देखो यहाँ पर पेटल्स आपके फ्री हैं तो हमने देखा पॉली में कि तीन चीज़ें देखी हमने तीन सीरीज देखे थैलमी फ्लोरी डिस्की फ्लोरी और कैल्की फ्लोरी ठीक है गैमो में हमने इन फेरी हेट्रोमेरी और बाई और मोनोक्लेमाइडिया अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है यह कवि एम्ब्रियो मल्टीओब्लिट टेरेस्ट्रीज मल्टीओब्लिट एक्वेटिका माइक्रो एम्ब्री एक्लेमाइडो स्पोर ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाया ये आपका पूरा डायकोटिलिरन है ये माइंड मैप आपको समझ में आया क्या क्या है ऐसे आप ना आगे आगे करके ऐसे छोटा छोटा लिख भी सकते हो अगर एक ही पेज में आपको लिखना है तो ठीक है ये आपको याद हो गया अभी ट्रिक की बात मैं कर रही थी तो देखो डाक को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सी ट्रिक मतलब क्या किस में रेटिकुलेट है क्योंकि मोनोकॉर्टिडोन के साथ थोड़ा रिजेंबल करता है हर चीज़ ठीक है तो इसको मैं याद करने का आपको ट्रिक बता रही हूँ देखो डाइक को याद करना है चार पाँच डॉक्टर क्या याद करना है चार पांच डॉक्टर क्यों मैंने बोला चार पांच डॉक्टर भाई क्योंकि चार में जो आपका चार है वो आपका मेरस शो करता है क्या मेरस ठीक है और पांच में आपका जो पांच है वो पेंटामेरस शो करता है क्या पेंटामेरस और इसमें जो आर है वो आपका रेटिकुलेट विनेशन शो करता है लीफ में रेटिकुलेट विनेशन ठीक है और जो आपका डी है क्या है जो आपका डी है वो आपका डाईकोटिलिडोनी शो करता है तो मतलब कि आपको याद रखना है चार पांच डॉक्टर आए थे मेरे दोस्त को देखने ठीक है या आपको देखने क्योंकि तबीयत खराब थी तो चार पांच डॉक्टर मतलब डाईकोटिलिडोन में रेटिकुलेट विनेशन पाया जाएगा और टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर पाए जाएंगे और भाई मैंने बताया ही था सबको कि ये तो आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए कि टैप रूट सिस्टम आपके डायकॉटिडॉन में पाए जा रहे हैं ठीक है और क्योंकि डायकॉर्टिलडोन के नाम से ही समझ में आ रहा है दो कॉटिलिडॉन में क्या होगा अलग अलग चीजें होंगी ठीक है ये आपका पूरा का पूरा डायकॉर्टिलिडॉन मैंने खत्म कर दिया अब लास्ट चीज पे हम चलते हैं मोनोकॉटिलिडॉन उसके बाद हुकर क्लासिफिकेशन खत्म है कुछ नहीं है ठीक है पता नहीं क्यों लोग इतना ट्रॉमा बनाते हैं ठीक है उसके बाद देखो मोनोकॉटिलियॉन अब हम बात करेंगे अपने प्यारे से मोनोकॉटिलिडॉन के बारे में तो मोनोकॉर्टिलीडॉन क्या होते हैं नाम से ही समझ में आ रहा है मोनो मतलब वन क्वार्टिलिडॉन मतलब कॉर्टिलिडॉन तो जिसमें सिंगल क्वार्टिलीडॉन पाया जाएगा उसे हम मोनोकॉर्टिलीडॉन कहेंगे इनमें जो रूट सिस्टम होगा वो फाइबरस होगा और इनकी जो लीफ होंगी वो पैरलर विनेशन ऐसे ये विनेशन शो करेंगी क्या आपको दिखाई दे रहा है ये विनेशन शो करेंगी पैरलर विनेशन और जो इनके फ्लावर होंगे वो ट्राइमेरस होंगे मतलब ऐसे This is type एक पेटल दो पेटल ये तीसरा तो ट्राई होंगे और क्योंकि इनमें डू नॉट प्रसिज कैम्बियम इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है इसीलिए इनमें इंक्रीज डायमीटर नहीं होता है ठीक है डायमीटर में कोई भी इंक्रीज इनमें देखने को नहीं पाया जाता है अब मोनोकॉटिलीडॉन में बस हमें सीरीज पढ़नी है डैट ऑल उसके बाद खत्म ठीक है तो मोनोकॉटिलीडॉन में सीरीज है आपके कुल मिला के 7। इसको याद कैसे करना है मैं जैसे बोल रही बोझूँ उसको वैसे देखो पहले तो नाम सुन लो माइक्रो एम्बरी ठीक है इपिगनस कोरोनरी कैल्सिनी न्यूडीफ्लोरी एपोकार्पी और ग्लूमेसी ठीक है अब देखो इनमें सात है ना तो पहले ऊपर के दो रेड पेन ले लू क्या उसे अच्छे समझ में आएगा तो जो ऊपर के दो है ना माइक्रो इमरी और इपिगनी ठीक है इनमें आपको याद रखना है कि इनमें ही बस जो ओवरी होती है वो कैसी होती है वो होती है इंफीरियर बस इन्हीं में ओवरी इंफीरियर होगी उसके अलावा आपके सब में नीचे के जितने हैं ना सब में ओवरी सुपीरियर होगी और ये बताओ बच्चा लोग कि जब ओवरी इन्फीरियर है तो फ्लावर कैसा होगा इपिगनस कोई दिक्कत नहीं है ना इपिगनस होगा और जब ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा होगा हाइपोगाइनस दो आपको यहीं पे पॉइंट मिल जाएंगे में आपको नाम से समझ में आ रहा है माइक्रो माइक्रो मतलब बहुत छोटा और मतलब सीड ठीक है और इपिगनी भाई मैंने बोला कि का कंट्रास्ट कर देना तो सीड क्या हो जाएगा लार्ज हो जाएगा कोरोनरी कैल्सिन न्यूडीफ्लोरी इन तीनों में आपको पैरियंथ याद रखना है क्या याद रखना है पेरियंथ याद रखना है जो आपका कोरोनरी में पेरियंथ होगा वो कलर होगा कोरोनरी से नाम को थोड़ा थोड़ा एक्साम्पल करो को मतलब कोरोनरी को मतलब कलर सीओ मतलब कोरोनरी सीओ मतलब कलर ठीक है तो पेरियन कैसे होंगे कलर्ड होंगे लेकिन कैल्सिनी की बात करें तो पेरियन कैसा होगा ग्रीन कलर का होगा और न्यूडी फ्लोरी की बात करें तो पेरियन तो होगा ही नहीं एक्सेंट ठीक है होगा ही नहीं कोरोनरी में कार्पेल यूनाइटेड होंगे कैल्सिनी में भी कार्पेल यूनाइटेड होंगे एपोकार्पी में कार्पेल एक से ज़्यादा होंगे मोर देन वन ठीक है और ग्लूमेसी में जो पेरियंथ होगा वो बहुत छोटा होगा रिड्यूस होगा और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं ग्लूमेसी में वो ग्ल्यूम्स में एक टाइप के ग्ल्यूम्स में क्या होते हैं कवर्ड होते हैं इन्क्लोज होते हैं बंद होते हैं ठीक है ये कैरेक्टर्स थे आपके मोनोकॉटिलडॉन के जो कि एंड हुकर ने दिए थे ठीक है अब देखो भाई सब कुछ हम लोगों ने एंड हुकर पढ़ लिया अब हम बात करेंगे कि हमारे चैनल पर कौन कौन सी फैमिलीज मैं आपको पढ़ाऊंगी ठीक है हम कौन कौन सी फैमिलीज़ को कवर करेंगे और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बताओगे अगर मैं कोई भी फैमिली इसमें से छूट जाती है मेरे से जो आपके सिलेबस में है तो आप उसे जरूर कमेंट करिए और मुझे बताइए रैनन क्यूलेसी फैमिली पढ़ेंगे सबसे पहले पैपावरेसी देन देन ब्रेसिकेसी कैप्रोडेसी कैरोफिलेसी मालवेसी रुतेसी एस्टोरेसी एस्केपलीसी एपोसाइनेसी स्क्रोफुलरेसी एकेंथेसी लैबियथी वर्बिनेसी कुरबितसी पोएसी पाल्मी लेडियसी एमरेन्थेसी म्यूसी एंड रूबियसी ठीक है इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे अब अगली वीडियो रैनन क्यूलेसी फैमिली पे आएगी क्योंकि बैंता एंड हुकर मैंने पढ़ा दिया है अब मुझसे कोई भी अभी ये नहीं पूछेगा कि दीदी मैरिट एंड डी क्यों नहीं पढ़ाई है तो देखो बच्चा लोग जब आप लोग ना सबका सब पढ़ लोगे फैमिली तब आपको मैरिट एंड डी समझ में आएगी अभी आपको थोड़ा भी मैरिट एंड डी नहीं समझ में आएगा बहुत सारी प्लेसमेंट अभी आपको देखनी पड़ेगी कि क्या कहाँ रखा हुआ है कौन सी फैमिली कहाँ रखी गई है किस सब क्लास में रखी गई है कौन से दो कैरेक्टर वाली फैमिली को एक साथ रख दिया गया है किसको अलग अलग में रखा गया है बहुत लोचा है तो वो जब आप पूरी फैमिली पढ़ लोगे तब आपको मैरिट एंड डीमेरिट अच्छे से समझ में आएगा वरना अगर अभी किसी को बहुत जल्दी है और वीडियो नहीं आई है मेरी तो आप जा करके टेक्सोनॉमी टिप्स एंड ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में चेक करिए वहाँ पर मैरिट एंड डीमेरिट मैंने बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया हुआ है वो भी आप जा करके पढ़ सकते हो ओके दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि प्लीज़ इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट चाहिए ही चाहिए मैं जिद कर रही हूँ कि मुझे कमेंट चाहिए ठीक है आपको एक पॉजिटिव कमेंट करके ही जाना पड़ेगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ब बाय टेक केयर बी हैप्पी जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी बो बाय हंसते रहो और सब्सक्राइब भी कर लेना